हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। सी दैट इफ ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई, वेयर ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 0 माइनस 1 एंड देन के इज। सबसे पहले a दिया हो तो ए स्क्वायर निकाल देते हैं। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ हमारे पास दिया हुआ है ना ए स्क्वायर इक्वल 8a प्लस ऑफ के आई, तो मैं क्या करता हूँ उलट करके लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा 8a प्लस ऑफ के आई विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 8 को लिखा और यहाँ पे मैट्रिक्स 1 2 माइनस 1 प्लस ऑफ के टाइम्स के आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स तरीके से, और यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई करना है 1 0 माइनस 1 से, दो बार लिखाएगा ना ये आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास 1 0 माइनस 1 और 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला वाला एलिमेंट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ये 0 ही होगा। ये हो जाएगा माइनस ऑफ 8 और ये हो जाएगा हमारे पास। कैसे किया, इसको लिया और इसको लिया तो 1 into 1 और 0 into -1 ये हो गया, फिर इसको लिया तो 1 हो गया हमारे पास ये, ठीक है, और ये 0 हो गया तो 0 हो गया। इस तरीके सारे एलिमेंट को हम यहाँ पे, अब ये वाली पार्ट क्या हो, ये हो जाएगा हमारे पास कि हो गया देखो ये 8 और के, ये हो गया 8 के है ना, 8 प्लस ऑफ के ये हो जाएगा यहाँ पे तो 0, ये भी 0 हो, यहाँ पे माइनस ऑफ 8 और प्लस 0 तो ये माइनस ऑफ 8 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया 56 और प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ के, ये हो गया हमारा 56 प्लस ऑफ के, ये आ गया। एडिंग कर दे दो मैट्रिक्स को। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें के की वैल्यू चाहिए, कंपेयर कर लें, ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा है ना, तो इम्प्लाई दैट 8 प्लस के इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाई दैट के इज इक्वल्स टू 1 माइनस 8 जो कि माइनस ऑफ 7 के बराबर होगा, जो कहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।